नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेल्स क्या होती हैं, रेल की कंपोजिशन क्या होती है, उसके टाइप्स जैसे डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल एंड फ्लैट फुटेड रेल। इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इन सब का बेनिफिट ले सकें। रेल्स क्या होती हैं? आप सभी ने कभी ना कभी रेलवे से ट्रैवल किया होगा, तो जो ट्रेन ये जो लाइन है इस पे मूव करती है, इन लाइंस को बोलते हैं रेल्स। ओके, वैसे कॉमन हम ट्रेन को भी कई बार रेल बोल देते हैं, बट वो बिल्कुल रॉन्ग होगा, बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि ये जो पटरियां होती हैं इन्हीं को रेल्स बोला जाता है। ओके, रेल्स आर द मेन पार्ट ऑफ परमानेंट वे। ये परमानेंट वे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी पर ही हमारा जो ट्रेन है वो मूव करती है। ओके, रेल्स आर फिक्स्ड विद ईच अदर बाई मीन्स ऑफ वेरियस रेल फास्टनिंग्स। ओके, एक रेल दूसरी रेल से हम जब जोड़ते हैं तो काफ़ी सारे उस पर फास्टनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू हम उसको जोड़ेंगे, ये सब आगे हम स्टडी करेंगे। ओके, और जो रेल्स हैं ये स्लीपर्स, ये देख सकते हैं आप, ये स्लीपर्स पे इनको अटैच किया जाता है, इस पर ये रेस्ट करती हैं। रेल्स प्रोवाइड ए स्मूथ सरफेस फॉर द मूविंग व्हील्स। ओके, जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं उनको स्मूथ सरफेस ये प्रोवाइड करता है ताकि हमारी ट्रेन इजीली मूव कर सके। ओके, तो ये काम था हमारा रेल्स का। अब इसके कुछ टाइप्स हैं और इसकी कंपोजिशन भी देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ ए रेल स्टील, जो हमारी रेल बनती है इसका जो निर्माण होता है उस स्टील में हम क्या क्या कंपोजिशन, क्या क्या और ज़्यादा मिनरल्स, और ये आप देख सकते हैं इन सभी का मिक्सचर होता है, वो सिंगल हमारा लोहे की रेल वो नहीं होती। ठीक है, तो ये देखिए, जब ऑर्डिनरी रेल बनती है तो उसमें क्या क्या डलता है? हाई कार्बन स्टील एंड ब्लू। हाई कार्बन स्टील तो उसमें होता है, उसके साथ साथ इसमें होता है कार्बन, जो कि होता है 0.55 से 0.68% के। ठीक है, इतना उसमें अनुपात होता है। फिर है मैंगनीज, ये उसमें होता है 0.65 से 0.90%। फिर है सिलिकॉन, ये होता है 0.05 से 0.30, इतना परसेंटेज हमारा होता है सिलिकॉन का। फिर है सल्फर, ये होता है 0.05 से कम। फॉस्फोरस, ये होता है हमारा 0.05 से और कम। ठीक है, ऑर्डिनरी रेल हमारी इसकी कंपोजिशन होती है वो ये होती है। अब होती है रेल्स जब क्रॉसिंग होती है या फिर कोई पॉइंट्स होते हैं उन पे, ये अलग मटेरियल की थोड़ी बनती है, वहाँ पे थोड़ी ये स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पे इसमें कंपोजिशन चेंज हो जाती है। मीडियम कार्बन स्टील इसमें यूज होता है, साथ ही साथ कार्बन की जो कंपोजिशन है वो होती है 0.50 से 0.60%, मैंगनीज की 0.95 से 1.25, सिलिकॉन की 0.5 से 0.20, सल्फर 0.6 और बिलो, फॉस्फोरस 0.6 और बिलो। ओके, तो ये कंपोजिशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, रेल को बनाते वक्त इन सभी मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ रेल। टू ऑफर मिनिमम रेजिस्टेंस टू द रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक का मतलब है इसमें जो ट्रेन होती है या फिर जो लोड होता है, माल आपका जो होता है, गुड्स होता है, सामान होता है, उन सभी को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो रास्ता है रेल्स का, वो एक स्मूथ यानी कि रेजिस्टेंस फ्री आपको ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, टू प्रोवाइड ए हार्ड स्मूथ सरफेस फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स। ठीक है, हार्ड और स्मूथ सरफेस ये प्रोवाइड करवाता है मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स के लिए। टू बियर द स्ट्रेसेस डेवलप्ड ड्यू टू हैवी वर्टिकल लोड्स, लेटरल एंड ब्रेकिंग फोर्सेस एंड थर्मल स्ट्रेसेस। ओके, तो काफ़ी टाइप्स के यहाँ पे जो लोड्स लगते हैं उन सभी के जो डेवलप होने के वजह से रेल्स का निर्माण किया जाता है, क्योंकि ये इन सबको अच्छे से बियर कर सकता है। ठीक है, अच्छे से इनको सहन कर सकता है। टू ट्रांसमिट लोड टू द स्लीपर्स एंड कंसिक्वेंटली रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन बैलास्ट एंड फॉर्मेशन।
ओके, रेल्स का ये काम है, ये अच्छे से जो स्लीपर्स हैं उन पे लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो स्लीपर्स हैं वो लोड को फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो बैलास्ट कुशन है उस पे, और बैलास्ट कुशन इसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करता है जो फॉर्मेशन लेवल होता है ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये काम होता है हमारा रेल्स का। अब टाइप्स, तीन टाइप की होती हैं, डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड। ओके, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं सबसे ऊपर का पार्ट ये हमारा होता है रेल हेड। ठीक है, इसको हेड बोला जाता है। फिर है ये बीच का पार्ट, इसको रेल का वेब बोला जाता है। ठीक है, फिर सबसे नीचे का पार्ट वो होता है रेल फुट। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके हम डबल हेडेड क्या होता है, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड। डबल हेडेड रेल्स, ये आप देख सकते हैं इसकी ये फिगर है और इसके डायमेंशन है। सारे डायमेंशंस इसमें एमएम में है, मिलीमीटर्स में है। देखिए इसकी ये चौड़ाई होती है ये 70 mm की होती है, इसकी हाइट होती है 152 mm। ठीक है, तो ये सारी इसकी डायमेंशंस आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट अपर टेबल इसको बोलते हैं और हेड भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे नीचे का पार्ट लोअर टेबल और फुट भी बोलते हैं। ठीक है, बीच का जो मिडिल पार्ट है हमारा, ये हमारा होता है वेब। ओके, तो ये हमारा डबल हेडेड रेल। द रेल सेक्शन हैविंग देयर हेड एंड फुट ऑफ सेम डायमेंशंस आर नोन एज डबल हेडेड रेल। इसमें डबल हेडेड हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो हेड और जो इसका फुट है उसके डायमेंशंस, उसका साइज दोनों सेम होते हैं। ठीक है, सेम साइज सारे सेम होते हैं, तो इसलिए इसको डबल हेडेड बोल दिया जाता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन एज डम्बल रेल। ओके, जो डंबल आप ये देख सकते हैं फिगर में, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लगाया है, जो आप डंबल से एक्सरसाइज करते हैं उसकी शेप बिल्कुल सेम होती है हमारी, तो इसीलिए इसको हम डंबल रेल भी बोल देते हैं। ओके, इसमें तीन पार्ट्स हमने जो देखे, अपर हेड, वेब और लोअर फुट। ठीक है, तीन पार्ट्स इसमें होते हैं। अब बोथ द हेड एंड फुट वर आइडेंटिकल एंड दे वर इंट्रोड्यूस्ड विद द होप ऑफ डबलिंग द लाइफ ऑफ रेल। अब इसका निर्माण क्यों किया गया डबल हेड का, तो इसका निर्माण इसलिए किया गया कि हम इसकी लाइफ को डबल कर देंगे। लाइफ को डबल करने से मतलब क्या है, व्हेन द अपर टेबल वाज वोर्न आउट, जब ऊपर की टेबल हेड इसका घिस जाए, टूट जाए। ठीक है, जैसे जैसे मूव करती है ट्रेन तो धीरे धीरे ये घिसता रहता है, धीरे धीरे टूटता भी रहता है, तो इसको टाइमली हमें रिपेयर करना होता है, दूसरी रेल को यहाँ पे लगाना होता है। ठीक है, द रेल कैन बी रिवर्स्ड इन द चेयर एंड दस द फुट कैन बी ब्रोट इन टू द यूज। तो इसका मतलब क्या है, जब ऊपर का हमारा जो हेड है ये घिस जाता है टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, तो हम इसको रिवर्स करके इसको लगा देते हैं। ठीक है, इसका फुट हम ऊपर लगा देते हैं और इसको हम नीचे लगा देते हैं हेड को। तो इसलिए हमने इसका निर्माण किया था क्योंकि इसकी लाइफ को हम डबल कर सके, बट ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं। जैसे जैसे हमने एक्सपीरियंस किया, दो उसका फुट का जो लोअर टेबल है वो और ज़्यादा टाइम के अकॉर्डिंग स्टिफ हो जाता है, और ज़्यादा ये हार्स हो जाता है, रफ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब इसको ऊपर की तरफ लगाया तो इस पे जो ट्रेन मूव की वो अच्छे से मूव नहीं कर पाई। ठीक है, तो इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं साबित हुई। ठीक है, तो ये हमारा जो डबल हेडेड रेल है, इसलिए इसका यूज़ धीरे धीरे कम होता गया और अब ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। अब आता है बुल हेडेड रेल। बुल हेडेड और डबल हेडेड में क्या फ़र्क है, इसमें जो हेड है वो फुट के मुकाबले साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें इसका साइज़ बिल्कुल अलग है, इसकी चौड़ाई भी अलग है, इसकी जो डेप्थ है वो भी अलग है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेल कंसिस्ट हेड, इसमें हेड होता है, वेब होता है और फुट होता है, एंड मेड अप ऑफ स्टील, और स्टील का ये बना होता है। द रेल सेक्शन इन विच हेड इज़ लार्जर देन फुट आर नोन एज बुल हेडेड रेल। ओके, जिसमें हेड फुट के मुकाबले बड़ा हो तो उसको हम बुल हेडेड रेल बोल देते हैं। ठीक है, इन दीज रेल फुट इज़ डिज़ाइन ओनली टू प्रॉपरली होल्ड द वुडन कीज विद विच द रेल्स आर स्क्रूड इन द चेयर। ओके, इसमें फुट का निर्माण इस तरीके से किया गया है कि जो वुडन कीज होती हैं वो
उसमें अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है, चेयर में ये फिक्स हो जाए। ये वुडन कीज़ क्या होती हैं, ये चेयर्स क्या होते हैं, ये फिक्सर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में मैं अच्छे से एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स उसमें कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इसमें देखिए, दीज रेल्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड चेयर्स, इसमें चेयर्स की ज़रूरत होती है और बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये यूज़ होती है इंग्लैंड में, यूरोप में, ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ काफ़ी होता है। बुल हेडेड आर यूज्ड इन इंडियन रेलवे स्पेशली फॉर कंस्ट्रक्टिंग पॉइंट एंड क्रॉसिंग, ओके, जहाँ पे क्रॉसिंग हो रेलवे लाइंस की और जहाँ पे पॉइंट्स हो तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, जब एक लाइन से दो लाइनें डाइवर्ट हो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पॉइंट्स बोला जाता है, उनको पॉइंट्स बोला जाता है। जैसे आपने कई बार मूवी में देखा होगा कि किसी एक्टर या उनका पैर लाइन के बीच में फंस जाता है और वो एक लीवर की मदद से उसको खोलते हैं और वो पैर बाहर निकल पाता है, ठीक है, कई बार एक्सीडेंट भी हो जाता है, तो ये शायद अलग बात है, बट उसी को पॉइंट्स बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के लिए जो रेलवे है वो पॉइंट्स मैन की एक जॉब भी अलग से प्रोवाइड करवाता है कि वो टाइमली उसको ऑपरेट करे, एक लाइन पे जब ट्रेन आती है उसको दूसरी लाइन पे शिफ्ट करना है तो उसको पॉइंट्स मैन बोला जाता है, ठीक है। अब है फायदे और नुकसान, डबल हेडेड सॉरी बुल हेडेड रेल के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, आइए देखते हैं। इट मेक इजी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट्स होते हैं और जहाँ पे क्रॉसिंग होती है रेल्स की, वो इजीली बन जाती है हमारी, ये जो है बुल हेडेड रेल्स के द्वारा। दीज आर रिमूव एंड रिप्लेस्ड इजीली, इसको रिमूव किया जा सकता है और रिप्लेस इजीली किया जा सकता है। इट कीप बेटर अलाइनमेंट ड्यू टू प्रोविजन ऑफ चेयर फॉर होल्डिंग देम इन पोजिशन, ओके, इसमें चेयर का यूज़ किया जाता है जो कि इन रेल्स को अच्छे से होल्ड करके रखता है, ठीक है, तो इसके फायदे थे। अब है नुकसान, डिसएडवांटेजेस ऑफ बुल हेड रेल्स, बुल हेडेड रेल्स आर लो स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, दे रिक्वायर कॉस्टली फास्टनिंग्स, ओके, क्योंकि ये चेयर में फिक्स की जाती हैं और जैसे जैसे वाइब्रेशन होता है, ट्रेन मूव करती है, तो धीरे धीरे इसकी स्ट्रेंथ लूज होती जाती है, कम होती जाती है और टाइमली इसको रिपेयर करना होता है, इसको जो फास्टनिंग है इसकी रिपेयरिंग करनी ज़रूरी होती है, ठीक है। फिर है दीज रेल रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस, ओके, जैसा कि बताया तो उसमें मेंटेनेंस की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए ये इसके नुकसान होते हैं बुल हेडेड रेल्स के। अब आता है फ्लैट फुटेड रेल, अब जो आप अपने आसपास कभी भी ट्रेन को मूव करते देखेंगे उसमें जो रेल्स लगी होती हैं वो मोस्टली होती हैं आपकी फ्लैट फुटेड रेल, ओके, इसमें हेड ऐसा, बीच में वेब आपका इस शेप का होता है और फ्लैट फुट आपका होता है इस शेप का, ठीक है, आप देख सकते हैं इजीली। तो ये सारे जो डायमेंशंस हैं आप इजीली इसमें देख सकते हैं, तो ये है हमारा सबसे मॉडर्न और एडवांस फॉर्म ऑफ रेल, फ्लैट फुटेड रेल, ओके। द रेल सेक्शन हैविंग देयर फुट रोल्ड टू ए फ्लैट इज कॉल्ड फ्लैट फुटेड रोल, दिस फॉर्म ऑफ रेल इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स विग्नल्स, ओके, चार्ल्स विग्नल्स ने ये 1836 में इसका इन्वेंशन किया था, तो इसीलिए इसको विग्नल्स रेल भी बोल दिया जाता है, ओके। दिस फॉर्म ऑफ रेल हैज़ बिकम सो मच सो पॉपुलर दैट एट प्रेजेंट 90% ऑफ द रेलवे ट्रैक इन द वर्ल्ड इज लेड विद दिस फॉर्म ऑफ रेल, ओके, 90% पूरी दुनिया में जो रेल्स बिछी हुई हैं वो इसी शेप की रेल्स के द्वारा बिछी हुई हैं, फ्लैट फुटेड रेल्स के द्वारा, ठीक है। फ्लैट फुटेड रेल्स आर कॉमनली यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में मोस्टली हमारी फ्लैट फुटेड रेल्स ही यूज की जाती है। अब इसके फायदे और नुकसान देखते हैं, नो चेयर्स आर रिक्वायर्ड इन दिस फॉर्म ऑफ रेल्स, ओके, इसमें कोई भी चेयर की ज़रूरत नहीं होती। दिस फॉर्म ऑफ रेल इज स्टिफर बोथ वर्टिकली एंड लेटरली बट द बुल हेडेड रेल इज इक्वल वेटेड, ओके, तो ये जो है स्टिफर है काफ़ी वर्टिकली और लेटरली दोनों जो लोड उस पर आते हैं उसके लिए, और बुल हेडेड जो रेल है उसके वेट के इक्विवेलेंट ये होती है, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ रेल इज लेस लायबल टू डेवलप किंग्स, ओके, किंग्स क्या होते हैं, जो जब दो रेल्स को, जैसे एक रेल ये है और एक रेल ये है,
दोनों रेल को आपस में जॉइंट किया जाता है कुछ टाइम बाद, जब ये अलाइनमेंट से अलग हो जाती हैं, ठीक है, दोनों का जो साइज और शेप है अपनी एक अलाइनमेंट से ये अलग हो जाती हैं, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसको डिफेक्ट को किंक बोला जाता है, ठीक है। तो ये बताया है इसमें किंक काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। द ट्रैक फॉर्म्ड विद दिस रेल रिक्वायर लेस अटेंशन एंड हेंस रिजल्ट इन रिड्यूस्ड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। इसमें जो है काफ़ी कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, तो इससे हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो ये हैं इसके फायदे फ्लैट फुटेड रेल के। अब है नुकसान, दिस रेल प्रोवाइड मोर डिफिकल्टी इन मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ओके। इसके द्वारा जो पॉइंट्स और क्रॉसिंग का सेक्शन बनता है रेल का वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फ्लैट फुटेड रेल्स आर नॉट ईजिली रिमूव एंड रिप्लेस, दस रिमूवल ऑफ ट्रैक बिकम डिफिकल्ट, ओके। जब इसको रिमूव किया जाता है रिपेयर के लिए या फिर रिप्लेस किया जाता है तो वो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो ये इसके नुकसान थे फ्लैट फुटेड के और ये थे इसके फ़ायदे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी रेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ़ायदे किसके, नुकसान कैसे, और आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी, शेयर कीजिए अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, जय हिंद।